इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ऑल इंडिया नीट यूजी मेडिकल परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर स्वाभाविक तौर पर सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक में ये मामला गड़बड़ा रहा है। अब नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन लाखों परीक्षार्थियों और उनके परिवार वालों को इसको लेकर हुआ दुख दर्द और मानसिक पीड़ा हमेशा सताएगी। वो आगे लिखती हैं कि केंद्र मेडिकल की इतनी अहम परीक्षा सही से कराने के मामले में देश को आश्वस्त कर पाने में अभी तक विफल है, जो समस्या को और गंभीर बना रहा है। अतः केंद्रीकृत मेडिकल नीट यूजी पीजी परीक्षा को समाप्त कर इसके लिए पुनः पुरानी व्यवस्था क्यों ना बहाल, जैसा कि कई राज्य सरकारों की मांग है। तो नीट यूजी परीक्षा को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख सामने आया है, उसके बाद अब बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर एक बार फिर सरकार को घेरा है। तो मेडिकल परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर स्वाभाविक तौर पर सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक में ये जो मामला है वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। अब नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन लाखों परीक्षार्थियों साथ ही साथ उनके परिवार वालों को इसको लेकर दुख दर्द और मानसिक पीड़ा हमेशा सताएगी। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ये सोशल मीडिया पर पोस्ट।